मेरे प्यारे सहयोगियों, माई डियर कलीग्स, आप सब लोग जो करंट सिनेरियो है उस सब से आप वाकिफ हैं। एक ऐसे अदृश्य क्रिएचर ने आज पूरे विश्व को जकड़ लिया है। एक ऐसा क्रिएचर जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उसने विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को रुला के रख दिया है। साइंटिस्ट, रिसर्चर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एडमिनिस्ट्रेटर, हर कोई, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, एक छोटे से छोटा आदमी भी आज इस वायरस से घबरा के भागा हुआ है। जीवन में समय समय पर हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। आज की प्राथमिकता इस वायरस से, इस अदृश्य क्रिएचर से हमें युद्ध जीतना है, ये पहली प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता के लिए, इस प्राथमिकता को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार माध्यम से हमारे पास बहुत सारा मटेरियल पहले से ही उपलब्ध है। हम जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनका पालन करें, तभी हम इस वायरस को हरा सकेंगे। हमारा संस्थान पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है और इस चैलेंज से हम भाग नहीं सकते, हम पीछे नहीं हो सकते, हमें फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करनी होगी। हमारे यहां कोई मरीज आता है, हम अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस मरीज की सेवा करें। उसमें हमें सभी डॉक्टरों के सहयोग की आवश्यकता है, सभी नर्सिंग स्टाफ के सहयोग की आवश्यकता है, जो हमारा दूसरा स्टाफ है, टेक्नीशियन हैं, वार्ड बॉय हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर लोग हैं, जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ है, सबकी हमें आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पूर्व मैं अस्पताल जाते हुए दो नर्सिंग स्टाफ से मिला और मैंने उनसे पूछा, बेटा कोई डर तो नहीं लग रहा है? बहुत सीधे उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सर, हम डर नहीं रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। उन दो नर्सों के इन शब्दों ने मेरे अंदर ऊर्जा भरी। इस वक्त में जबकि प्रदेश को, जबकि पूरे राष्ट्र को, पूरी मानव जाति को हमारी आवश्यकता है, हम पीछे नहीं हट सकते। इसमें चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के लिए हमने सारी अपनी प्लानिंग कर ली है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, नर्सों की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक उपकरण चाहिए उसकी व्यवस्था की गई है। हमने अपने अस्पताल में जो दूसरी व्यवस्थाएं करनी हैं वो कर दी हैं। बहुत सारी कमेटियां बन गई हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लग गई हैं, जिनको जो कार्य निर्धारित दिया गया है। मैं सभी डॉक्टरों को, सभी नर्सिंग स्टाफ को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस समय आप अस्पताल में इन मरीजों की सेवाएं कर रहे होंगे, मैं ये इंश्योर करूंगा, मैं स्वयं इंश्योर करूंगा कि जो घर में आपके माता-पिता होंगे, आपके छोटे बच्चे होंगे, इस लॉकडाउन पीरियड में उनको किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूं। विश्व में ये मैंने देखने में आया है कि इंग्लैंड में एक उदाहरण मैंने पढ़ा कि एक डॉक्टर रिटायर होने के 25 साल के बाद पुनः इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी डॉक्टर कम्युनिटी की सहायता करने आगे आया है। हम इसी तरह से, इसी उल्लास से, इसी भावना से
उन रोगियों की सेवा करने के लिए आगे आए जो इस कोरोना वायरस की बीमारी से पीड़ित होंगे। मुझे पूरी आशा है कि जैसे केदारनाथ त्रासदी के समय आप सब ने मिलजुल करके लगभग 400 मरीजों का यहां पे इलाज किया, उसमें आपने अपना योगदान दिया, इस समय भी जब पूरे प्रदेश को, राष्ट्र को और मानव जाति को हमारी आवश्यकता है, हम आगे आएं और उन सब की मदद करें। इस वायरस ने हेल्थ सेक्टर ही नहीं, पूरे विश्व की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। और इस वक्त हम सिर्फ अपने वेतन के बारे में न सोचें, सबसे पहले हमारा कर्तव्य होगा जो हमारा सबसे लोएस्ट कैटेगरी का स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं, माली हैं, जो और छोटे तबके के स्टाफ हैं, जिनके घरों में रोजी रोटी इसी सैलरी की वजह से चल रही है, सबसे पहले हमें उनकी उनकी सेवा करनी है, उनका ख्याल करना है। यूनिवर्सिटी का जो मोटो है, योगः कर्मसु कौशलम्, हम अपना काम कितनी कुशलता से करते हैं ये अब देखा जाएगा, क्योंकि जो हमारा दूसरा हमारा मोटो है, अपना काम हम स्किलफुली, लविंगली और सेल्फलेसली करें। जितना हम स्किलफुल होंगे उतना हम इस वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। जितना लविंगली हम उन पेशेंट की वहां सेवा करेंगे, उनकी दुआएं हमारे साथ जन्मों जन्मों तक रहेंगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संकट की इस घड़ी में, जब मानव जाति को आपकी सेवा की आवश्यकता है, मुझे भी ये नहीं मालूम है कि हमारे अस्पताल में कितने मरीज आएंगे, लेकिन हम तैयार हो जाएं, हम अपनी तैयारी कर लें। डरने की आवश्यकता नहीं, आप मेडिकल लोग हैं, आपको पता है रोज लेटेस्ट जो अपडेट आ रही हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों पर न जाएं, आपके पास जो लेटेस्ट अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अच्छी यूनिवर्सिटीज से जो सूचनाएं आ रही हैं इस कोरोना वायरस के बारे में, उसको पढ़ें, उसको सुनें और उसको अपने सहयोगियों के साथ बांटें। मुझे उम्मीद है, मैं एक मोटो आप सबको दे रहा हूं आज, ब्रेक द चेन ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज 19, ब्रेक द चेन ऑफ कोविड 19। कोरोना वायरस बीमारी 2019 की जो एक चेन है, जो श्रेणी है, इसको हमें तोड़ना है। और इसको हम तभी तोड़ पाएंगे जब हम सब लोग मिलकर के एक साथ आगे बढ़ेंगे। मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को आप अपने विभाग के हर किसी कर्मचारी के साथ शेयर करें। आप में से किसी का भी कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, आप सीधे मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस मुहिम में हम राष्ट्र का साथ दें, प्रदेश का साथ दें, मानवता का साथ दें। सैलरी की चिंता इस समय न करें। मेरे बाबा ने आज तक किसी की झोली खाली नहीं करी, उन्होंने सबकी झोलियां भरी हैं। आप सब लोग मेरे इस बाबा के इस मिशन के सैनिक हैं, वो अपने सैनिकों की झोली खाली नहीं रखेंगे। तो मेरी आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि इस मुहिम में हम सब लोग एक साथ मिलकर के इस अदृश्य क्रिएचर को हमें हराना है, तो उसको हराने में आप सब संस्थान का साथ दें, प्रदेश का साथ दें, राष्ट्र का साथ दें और उससे भी ऊपर मानव जाति का साथ देंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी मेरी आपसे करबद्ध पुनः प्रार्थना है।